नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज़ का आपका स्वागत। मैं आज आपके मोहवी पंचायत में प्रस्थापित हूँ। यहाँ पे आपके ग्राम पंचायत के ठीक प्रत्याशी जो थे, उम्मीदवार थे, उनका नाम शहर चौधरी है। जो शहर चौधरी मतलब 99 वोटों से अपने विजय को, अपने मत को प्राप्त किए हैं। तो आज मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि ये डेवलपमेंट के क्षेत्र में क्या बात करना चाहेंगे और इस पोस्ट के पे रह करके ये कौन कौन से विकास को अपने लाभार्थी को लाते हैं। सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। सर बधाई हो आपको। सर आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा शहर चौधरी है जी। सर मैं ग्राम शहर चौधरी साहब, जैसे कि एक मुखिया का पोस्ट, एक समझिए कि एक प्रधान का पोस्ट होता है जी। और ये मुखिया एज ए एक आठ गांव या कुछ गाँव को लेकर के मालिक होता है, ठीक है जी। तो ये मालिक और एक मुखिया होता है, जैसे घर के अंदर को एक मालिक होता है, मुखिया होता है, जिसको गार्जियन बोला जाता है। एज आप इस पंचायत के मालिक हैं, तो आप इस मालिक होने के नाते अगर गवर्नमेंट से कोई फंड आए तो उसके बारे में आप सारा व्याख्या करें कि डेवलपमेंट अपने स्तर से कैसे करें। जरूर जरूर करेंगे, जरूर जनता के साथ हम जो वो करेंगे जी, कि जो है पहले इंदिरा आवास का लेकर जितना टूटा है लोग, हम लूटने नहीं देंगे। हम जनता के पक्ष में रहेंगे जी, और मान सम्मान हम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि साथ में सम्मान भी और एक विकास भी, दोनों का काम करना चाहेंगे। दोनों काम करेंगे, दोनों मान सम्मान और विकास, और बच्चे और महिला के लिए हम जरूर, हम जो है हमारे दिल में है कि उन लोगों का परफेक्ट हम देते रहें। हाँ, बस यही ख्वाहिश। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि डेवलपमेंट तो कई सारी तरीके से किया जा सकता है। एक प्रखंड, जैसे कि एक मुखिया क्या होता है कि एक पंचायत के एक हेड होता है जो अपने विकास के क्षेत्र के लिए काम कराता है। लेकिन मैं आपके साथ एक और नई सूची जोड़ना चाहूँगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र के बारे में क्या सोचते हैं और शिक्षा को लेकर क्या बढ़ावा देंगे अपने पंचायत में? शिक्षा के लेकर जो हम बढ़ावा, हम मन आगे से यदि अगर हमको ताकत मिलती है तो वहाँ तक हम हाथ बटाएंगे और आगे हम बढ़ेंगे। तो आपके प्रतिपक्ष कौन कौन से साथी खड़े थे और फिर कितने वोट से आप विजयी हुए हैं, आप मुझे बताना? हमको मात्र जो है 99 वोट से मैं जीत हासिल किया हूँ। हाँ, और राजेंद्र कुमार जो है 99 वोट से वो हारा है। उसके बाद जो है यानी थर्ड नंबर में जो है पुराना वर्तमान मुखिया जो थे वो जो है 1056 वोट उनका मिला था मान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं बता दूं कि ये मुखिया जी आपके जो है शहर चौधरी जी, इनको कार्य कमलों को लेकर के यहाँ की जनता ने इनको एक प्रधान के रूप में सुनिश्चित किया है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि इनके खुशी के लिए मिठाइयाँ भी तैयार करवाई जा रही है कि ये गांव में जितने भी, सबसे बड़ा चीज़ है कि ये कितना सोच सकते हैं अपने, जैसे कि एक एक मालिक होने के नाते, एक पंचायत में एक सेवक होने के नाते, एज ए मालिक और एज ए सेवक होने के नाते ये अपने जनता के हित में कितना अच्छी सोच रखते हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मिलते रहते हैं हम लोग और मिलते रहेंगे भी। और मोहम्मद अखलाक्षर, ब्लॉक रिपोर्टर, धन्यवाद।